हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, ऐसी आइसक्रीम लेके आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। ये बच्चों, बूढ़ों और बड़ों सभी को बेहद पसंद आती है ये कुल्फी। तो आइए हम इस कुल्फी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये घर की बनी है तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी हेल्दी होगी ये और कितनी साफ सफाई से बनती है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये करना है कि इस कुल्फी में जो फिलिंग भरी जाती है हम उसको तैयार करेंगे। हम मैंने यहाँ 1 किलो दूध लिया था, तो मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये कम से कम 1/4 रह जाए। उससे भी कम रह जाए तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इतना गाढ़ा करना है कि कुल्फी में ये डालने के बाद नीचे को निकले ना बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जाए। तो अब मैंने 1 किलो दूध लिया था, तो इसका 1/4 के आसपास ही ये बचा है। काफ़ी देर से मैं इसको पका रही थी, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ये कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो फिलिंग है और भी गाढ़ी सी हो जाएगी, और ये जमने में भी आसानी से जम जाएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि इसका फ्लेवर अलग ही होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगी। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मटेरियल तैयार हुआ है कि इसमें मलाई के पीसेस अलग दिख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं, स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। स्मूथ सा पेस्ट बनाने के बाद हम इसको फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए, और ये फिर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फिर हम उसमें फिलिंग अपनी कुल्फी में भरेंगे। फ्रेंड्स, ग्राइंड करने के बाद देखिए ना कितना स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुआ है ये। लेकिन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पतला है आइसक्रीम कुल्फी में भरने के हिसाब से। तो फिर मैंने इसको क्या किया है, इसको हल्के से पकाया है और फिर इसमें थोड़ा कस्टर्ड पाउडर और ऐड किया है, जिससे ये और गाढ़ा हो जाए और कुल्फी में जो फिलिंग है वो एकदम क्रीमी सी बने, क्योंकि कुल्फी की फिलिंग इसमें एकदम क्रीमी सी होती है और इसका टेक्स्चर एकदम ऐसी सॉफ्ट सा होता है। तो मैं उस तरह की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। देखिए, कुछ 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये कुछ ऐसे बन के रेडी हुई है, और हम इसको फिर निकालने के बाद इसमें से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमें इसको फ्रिज में रखना है। देखिए, एकदम गाढ़ा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है और एकदम क्रीमी सा पेस्ट है ये। अब फ्रेंड्स, मैंने इसको मीठा करने के लिए इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई चीनी है ये, क्योंकि ये बाद में ऐड कर लो या फिर स्टार्टिंग में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब आपका मन करे तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, और देखिए एकदम बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हमें करना क्या है, इसको फ्रिज में फ्रिज करने के लिए रख देना है, और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से बनकर रेडी होती है। फ्रेंड्स, देखिए 7 से 8 घंटे के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। अब हमने ये कचरी वाले मोड ले लिए हैं, हमें इसमें अपनी फिलिंग को भरना है। फ्रेंड्स, स्वाद में ये उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगती है जो ये ठेले पर बिकने आती हैं मार्केट में, और ये एकदम हेल्दी है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते थे, लेकिन वो आपकी मर्जी थी कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, और वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं तो ड्राई फ्रूट्स का कम यूज़ करना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने नहीं डाला था। ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने इसमें अपनी फिलिंग को भर रही हूँ इसमें अच्छे से, इसको इस चम्मच के पिछले वाले साइड से इसको अंदर को ऐसे दबा दबा के भर लेना है। फ्रेंड्स, भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप धीरे धीरे आराम से इसको भर सकते हैं। ये बहुत ही इजली भर जाती है, धीरे धीरे आप ऐसे भर लीजिएगा जैसे मैं भर रही हूँ, और बहुत ही जल्दी ये भर जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बहुत ही सिंपल आइसक्रीम है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है ये आइसक्रीम। मैं आपको एक मोल्ड और भर के दिखा रही हूँ, जिससे आपको आसानी हो और भरने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ नहीं है फ्रेंड्स इसमें, सिंपल से सबसे पहले चम्मच से पीछे वाले पार्ट से साइड से को ऐसे दबा दबा के भरना है, फिर ऊपर से कुल्फी जैसे ऊपर से चिपकाना है इसको और गोल गोल कर देना है। बहुत ईजीली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और आप इसको ज़रूर ट्राई करना जैसे मैं बना रही हूँ। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना
उम्मीद आपको बेहद पसंद आने वाली है ये आइसक्रीम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आइसक्रीम पसंद आए, मेरी इस तरीके से बनाने का तरीका, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, थैंक यू।